हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका हेल्थ एंड फिजियो गाइड डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसके बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, तो सर्टेन कंडीशंस में हमें रेजिस्टेंस फील होता है, एक रुकावट फील होता है, ओके, जिसको कि हम एंड फेल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? टेक द एग्जाम्पल ऑफ सीपी पेशेंट और द केस ऑफ हेमिप्लेजिक। तो जब भी इसके पार्ट को आप मूव करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फील होता है कि आपका बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा है, ओके? या कभी ऐसा भी होता है जिसका टोन काफी कम हो गया है मसल्स में, वहां पे उस पार्ट को आप जब बेंड करते हैं तो आपको कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं होता है, ओके? या कभी कभी काफी हार्ड होता है और आप ज्वाइंट को मूव नहीं कर पाते हैं, ओके? तो व्हाट इज एंड फेल? तो आज के इस वीडियो में जानेंगे एंड फेल क्या होता है और इसके नॉर्मल और एबनॉर्मल टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो लेट्स सी, सो व्हाट इज एंड फेल? सो इट इज द फेल एक्सपीरियंस बाय द एनी फिजियोथेरापिस्ट और एनी इवैल्यूएटर एट द एंड ऑफ द रेंज व्हेन ओवर प्रेशर इज अप्लाइड, ओके? इसका फीलिंग कब होगा? जब भी कोई फिजियो या कोई भी एग्जामिनर मूवमेंट करवाता है, सो एट द एंड रेंज ऑफ द मोशन हमें इस टाइप की फीलिंग आती है। सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्बो ज्वाइंट। सपोज आप जब एल्बो को बेंड कर रहे हैं, पेशेंट ने अपने एल्बो को बेंड किया है, उसके बाद थेरापिस्ट को हल्का सा ओवर प्रेशर अप्लाई करना है, तो ऐसा अप्लाई करने पे आपको कैसा फील हो रहा है? क्या ये मूवमेंट फर्दर और मूव हो रहा है या आपको एक बोनी ब्लॉक फील हो रहा है, इसके आगे अब फर्दर एल्बो हमारा मूव नहीं कर पा रहा है, ओके? या आपका ये रिवर्स बैक आ रहा है, आप इसको ट्राई कर रहे हैं ऐसे बेंड करने का, पर ये बार बार एज ए स्प्रिंग की तरह ये रिवर्स बाउंस हो रहा है, ओके? तो इसके बिहाफ पे हम डिफरेंट टाइप के एंड फेल को जानते हैं। सो व्हाट आर द कॉमन नॉर्मल एंड फेल्स? तो नंबर वन इज द सॉफ्ट। तो सॉफ्ट फील हमें कब होगा? ड्यू टू द कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। तो जब भी किसी सॉफ्ट टिश्यू को हम कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो हमें सॉफ्ट फीलिंग होता है, ओके? सो टेक द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ टेंडो एक्लिस मसल्स, स्ट्रेचिंग ऑफ बाइसेप्स, स्ट्रेचिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग, हमें कैसा फील होता है? अगर वो सॉफ्ट है, सो वो इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज ड्यू टू द कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, ओके? नाउ नंबर टू इज द फर्म। इट इज ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द ज्वाइंट कैप्सूल और द लिगामेंट। तो जब भी हम लिगामेंट को या ज्वाइंट कैप्सूल को स्ट्रेच करते हैं तो हमें इस तरह की फीलिंग आती है, वो फर्म नेचर का है। नाउ कम टू द थर्ड टाइप, दैट इज हार्ड टाइप। सो हार्ड टाइप कब होगा? ड्यू टू एनी बोनी ब्लॉक। तो जब भी आपके ज्वाइंट के इनसाइड किसी तरह का कोई बोनी ब्लॉक होगा, सो टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरनल डिटैचमेंट ऑफ द ज्वाइंट, और इन केस ऑफ एल्बो ज्वाइंट इट मे बी ड्यू टू द मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन, जहां पे इनसाइड द मसल्स एक बोन लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। सो इन दैट केस जब भी पेशेंट ट्राई कर रहा है बेंड करने का, अगर आप उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो फर्दर कोई भी रेंज ऑफ मोशन में इंक्रीमेंट हमें दिखाई नहीं देता है, ओके? तो जब भी बोनी ब्लॉक होगा, यहां पे आपको एक हार्डनेस का फील होगा, इसके आगे फर्दर हम बिल्कुल भी कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें पर हमारा ज्वाइंट फर्दर मूव नहीं करता है, ओके? लास्ट वन इज द एम्प्टी टाइप। सो एम्प्टी टाइप में देयर इज नो एंड फेल, हमें किसी भी टाइप की फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है, बिकॉज पेशेंट आपको मूवमेंट परफॉर्म करने से रोक रहा है या आप जो अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द एक्यूट कंडीशन। सो एक्यूट में पेन का लेवल काफी ज्यादा होता है, सो पेशेंट आपको परमिट नहीं करता है कि आप एट द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन उस पार्ट को मूव करें, बिकॉज मूवमेंट में उसका पेन राइज करता है, इंक्रीज होगा, सो आपको परमिट करता ही नहीं। सो इन दैट कंडीशंस हमें कोई एंड फेल का फीलिंग नहीं हो पाता है, ओके? तो ये चार वैरायटी थे आपके नॉर्मल एंड फेल के। अब लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल एंड फेल, ये क्या होते हैं। सो नंबर वन इज द स्प्रिंगी। तो स्प्रिंगी में क्या होगा? सो टेक द एग्जांपल ऑफ नी ज्वाइंट, यू आर ट्राइंग टू बेंड द नी, सो आप हैमस्ट्रिंग मसल्स के मूवमेंट को चेक कर रहे हैं, तो कैसा फील होगा? इन केस ऑफ स्प्रिंगी ये बार बार आपको रिवर्स बैक करेगा। सो आपने ओवर प्रेशर अप्लाई किया लाइक दिस और ये बार बार आपको स्प्रिंग की तरह ये वापस बैक आएगा। सो ऐसा कब मिलता है? इन केस ऑफ टीयर ऑफ द मेनिस्कस और द डैमेज ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो इन दो केसेस में आपका जो एंड फील होगा वो आपको स्प्रिंगी फील होगा।
इसको बार बार आप बेंड करेंगे, ये रिवर्स पॉज करेगा लाइक दिस, ओके। ये टाइप हो गया आपको स्प्रिंग नी का। नाउ टाइप नंबर टू, दैट इज मसल्स गार्डिंग। सो इट इज बेसिकली ड्यू टू द इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द एक्यूट पेन। तो जहां भी बॉडी पार्ट में हमें पेन होता है, उसके सराउंडिंग जो मसल्स होते हैं उसमें एक टाइप का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसका पर्पस क्या होता है? उस ज्वाइंट को मूव करने से रोकना, ओके। तो अगर हम पैसिवली ट्राई करते हैं उस ज्वाइंट को मूव करने का, वहां पर पेन राइज करता है, ओके। और इस तरह का फाइंडिंग मिलेगा, सपोज कोई मसल्स वहां पे गार्ड कर रहा है, उस मूवमेंट को रोक रहा है, ओके। नाउ नंबर थ्री इज द मसल स्पाज्म। सो व्हाट इज स्पाज्म? तो इस स्पाज्म में कहां पे होता है? जहां भी हमें इंजुरी होती है या चोट लगता है तो सराउंडिंग मसल्स का इंट्रामस्कुलर टेंशन राइज करता है, या हम ये कह सकते हैं कि मसल्स का प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके। सो इट इज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक चेंजेस। तो स्पाज्म का बेसिक रोल क्या होता है? ये ट्राई करता है कि आप उस इंजर्ड पार्ट को मूव ना करें। जब भी मूव करने की आप ट्राई करेंगे, आपका पेन का लेवल राइज होगा, ओके। तो हमें पहले स्पाज्म को कंट्रोल करना होता है। अगर उसको बिना कंट्रोल किए हम मूवमेंट करवाते हैं तो पेन का लेवल बढ़ेगा और अगेन पेशेंट उस मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश करता है, सो दैट आप जो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू द नंबर फोर, दिस इज द मसल स्पास्टिसिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पास्टिसिटी? इन द नॉर्मल वे इट इज इंक्रीज इन द नॉर्मल टोन ऑफ द मसल्स। ये कब होता है? ड्यू टू द अफेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब भी हमारे ब्रेन को डैमेज होता है, ऑटोमेटिक हमारे मसल्स के जो टोन होते हैं वो नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाते हैं। इट मींस नॉर्मल से काफी ज्यादा इंपल्सेस हमारे बॉडी में ट्रेवल करते हैं, जिसको कि हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो एक फिजियो डिफरेंट टेक्निक से लाइक मोबाइल अप्रोच और रूट्स अप्रोच और PNF अप्रोच, इनको लगा करके उस टोन को हम ट्राई करते हैं नॉर्मलाइज करने का, ओके। तो इन दैट केस आल्सो, सो टेक द एग्जांपल ऑफ हेमिप्लेजिक पेशेंट और द सीपी पेशेंट। सो इन केस ऑफ हेमिप्लेजिया, अगर फ्लेक्सस एनर्जी है तो हमें पैटर्न क्या दिखता है? आर्म का इंटरनल रोटेशन, ओके, फोर आर्म का रोटेशन, रिस्ट का फ्लेक्शन एंड फिंगर फ्लेक्शन। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन द टोन ऑफ द फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स। सो इन दैट केस जब भी आप ट्राई करेंगे इसको बेंड करने का या इसको बाहर मूव करने का, आपको सम सॉर्ट ऑफ एक रेजिस्टेंस फील होता है, ओके। सो दैट इज द एंड फेल। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि एंड फेल क्या होता है और किस टाइप का एंड फेल हमें क्या इंडिकेट करता है। सो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पिंग होगा अगर आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंड फेल यू कैन इजिली फाइंड आउट कि पेशेंट का क्या स्ट्रक्चर अफेक्टेड हुआ है और वो किस टाइप की पैथोलॉजी को सफर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एंड फिल क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। सो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं, उसका एंड फिल किस टाइप का है और वो किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स जो एंड फिल है वो बता रहा है कि आपके जो लिगामेंट है उसकी टाइटनेस है, या आपका जो मेनिस्कस है वो टियर हो गया है, या एनी काइंड ऑफ जो कार्टिलेज है वो टियर हुआ है, या मसल्स का टोन नॉर्मल से कम है, या मसल्स का टोन नॉर्मल से ज्यादा है, या पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है, सो दैट हम वो एंड फिल का फाइंडिंग नहीं ले पा रहे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, और मैं चाहूंगा जितने भी आपके फिजियो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट ये उनको भी हेल्प कर सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। सो टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिली एंड द सोसाइटी, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।